दरबार गोपाळदास के दत्तक पिता अंबाईदास के पूर्वज ने काठी दरबारों के पास से ढसा गांव खरीदा था। ढसा में दो भाग थे, एक भाग काठी दरबारों का और दूसरा भाग देसाइयों का। वॉकर सेटलमेंट में देसाई कुटुंब को राय सांकली के छठे वर्ग का तालुकदार की मान्यता दी गई थी। अंबाईदास लेवा पटेल थे। दरबार अंबाईदास ने 6 शादी की थी, फिर भी उनको संतति में समझू बहन नामक सिर्फ एक लड़की ही थी। ये समझू बहन का लड़का गोवर्धन को अंबाईदास ने गोद लिया और उसका नया नाम गोपालदास रखा गया। गोपालदास का जन्म नड़ियाद के पास वसो गांव में हुआ था। उसने वढ़वाण की तालुकदारी, गरासिया कॉलेज और इंदौर और बड़ौदा की कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। जब वे बड़ौदा में पढ़ रहे थे तब वहां महर्षि अरविंद घोष प्रोफेसर थे। प्रथम विश्व युद्ध में हर देशी रियासत ने ब्रिटिशरों को चंदा दिया था, तब गोपालदास ने ये चंदा देने में साफ साफ ना बोल दी और लोकमान्य तिलक आजादी की लड़त का चंदा लेने के लिए आए, तब सोना का तोड़ा चंदा में देकर सबको अचंभे में रख दिया। स्वतंत्र चळवळ में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी रियासत जुलाई 1922 में जब्त कर ली और फिर वापस मई 1947 में मिली थी। ब्रिटिश सरकार राजवियों को किस्म किस्म के इल्काब देती थी। तब दरबार ने अपने प्रजाजनों को सम्मानित करने के लिए खुद के जन्मदिन से 5 इल्काब देने की घोषणा की। ढस्सा नूर खीमा पटेल को, ढस्सा दीपक वाघा पटेल को, ढस्सा रंजन कथाकार जयशंकर भट्ट को दिया गया था। ढस्सा नूर का इल्काब जिसने प्राप्त किया वे दरबार में आए तब खुद दरबार गोपालदास को खड़ा होकर मान देने की परंपरा रखी थी। रियासत में लगान की आमदनी बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ कारभारी, पुलिस पटेल, पसायता ऐसे सिर्फ 3 ही कर्मचारी रखे थे। उसने राज्याभिषेक के खुशहाली में शिक्षण मुफ्त कर दिया। ढसा में 5 स्कूल चलती थी, इसमें रात्रि शाला और दलित स्कूल भी थी। छात्रों को प्रवास के लिए आर्थिक मदद देते थे। राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी को हर माह रुपये 10 की शिष्यवृत्ति दी थी। गर्ल्स स्कूल शुरू करने के लिए उसने कलकत्ता, रंगून, मांडले जाकर चंदा इकट्ठा किया था। उन्होंने किसानों का कर्ज मुक्ति की योजना बनाई थी। ढस्सा में 1920 में अंत्यज परिषद बुलवाई और दलितों को सार्वजनिक कुएं में से पानी भरने का अधिकार दिया। दरबार ने वसो की हवेली में दलितों को प्रवेश करवाया था। दरबार ने पर्दा प्रथा को तिलांजलि दी और भक्तिबा खुले मुंह बाहर निकलते थे। हवेली में कुल देवी कालिका माता को मद्य और मांस का नैवेद्य दिया जाता था, वो बंद करवाया। दरबार गोपालदास ने आनंद सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, बोरसद की लड़त, बारडोली सत्याग्रह, लिंबड़ी सत्याग्रह, डांडी कूच और काठियावाड़ राजकीय परिषद में भाग लिया था और अनेक बार जेल यात्रा की थी। ये दरबार साहेब के बेटे महेंद्र भाई देसाई पिता जैसे ही बने और नेक दिल नक्सिक सज्जन विधानसभ्य बने थे। दहेज प्रथा को तिलांजलि देकर दरबार ने दोनों बेटे की शादी पूर्ण सादगी से करवाई थी। दरबार साहब ढस्सा के चर्म शोधक ने सिया हुआ बूट, ढस्सा के सुतार का राच रचिला और ढस्सा के बुनकर की खादी पहनते थे।